जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2017 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट टू लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम सभी ने पार्ट वन डिस्कस किया था और पार्ट वन में हम सभी ने टोटल 10 क्वेश्चन किए थे। जीके के 5 क्वेश्चन किए थे आपके फिजिक्स से, 5 मैथ से जैसा आपके सिलेबस में है, और 5 किए थे बायोलॉजी से। तो पार्ट वन के वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, वहां से जाकर आप पार्ट वन का वीडियो देख सकते हो। यदि आपसे पार्ट वन मिस हो गया हो तो 2017 के क्वेश्चन पेपर का और देख सकते हो आप सब। ये हमारा 2017 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है। इससे पहले हम सभी ने 2018 और 2019 का भी पेपर को बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो यदि आपसे वो पेपर भी मिस हो गए हो, उनके क्लासेस भी मिस हो गए हो 2018 और 2019 के पेपर का, तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, वहां से जाकर आप 2018 और 2019 के क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे आज का क्लास। आज का देखिए, हम लोग ने 5 क्वेश्चन बायोलॉजी का कर लिया था, टोटल 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, तो 10 क्वेश्चन हम लोग अभी कर लेंगे और 15 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से, तो 25 क्वेश्चन हमारा इस पार्ट टू में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। दिया गया कि सबसे बड़ा जीवित सर्प कौन सा है। पूछा गया कि निम्न में से सबसे बड़ा जीवित सर्प कौन है। ऑप्शन दिया गया ए अजगर, बी कोबरा, सी करैत या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे बड़ा जीवित सर्प जो होता है वो होता है आपका अजगर। अजगर को सबसे बड़ा जीवित सर्प के रूप में जाना जाता है। हमारे पृथ्वी पर अभी जितने भी सांप हैं, जितने भी सर्प हैं, उनमें सबसे बड़ा, सबसे विशाल सर्प जो है वो उसे अजगर बोला जाता है। वो अजगर प्रजाति के होते हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 नंबर सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर सवाल दिया गया है, सामान्य हृदय दर कितना होता है। पूछा जा रहा है कि सामान्य हृदय दर कितना होता है, 72 से 75 प्रति मिनट। यहाँ पे बताना है कि सामान्य व्यक्ति का हृदय जो है वो एक मिनट में कितना बार धड़कता है, वो हमें बताना है। देख यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 72 से 75 प्रति मिनट, बी 50 से 60 प्रति मिनट, सी 80 से 86 प्रति मिनट या फिर डी 30 से 40 प्रति मिनट। देखिए इसका सही उत्तर है 72 से 75 प्रति मिनट। ये नंबर ऑप्शन हमारा सही है। 72 से 75 प्रति मिनट की दर से मानव का हृदय धड़कता है। कहने का मतलब है मानव का हृदय दर है, कहने का मतलब है कि एक मिनट में एक इंसान का जो हृदय है वो करीब 72 से 75 बार धड़कता है। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। 28 नंबर सवाल दिया गया है कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। हमें बताना है कि सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, ए 1000 ग्राम, बी 1200 ग्राम, सी 900 ग्राम या फिर डी 600 ग्राम। तो देखिए मानव मस्तिष्क का भार जो है वो आपका 1200 ग्राम होता है। सही ऑप्शन है हमारा बी, बी में दिया गया है 1200 ग्राम। एक मानव मस्तिष्क का भार जो है वो करीब 1200 ग्राम होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल करेंगे। 29 नंबर सवाल दिया गया है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है वर्गीकरण का आधारीय इकाई है, ए जीनस, बी फैमिली, सी स्पेसीज या फिर डी ऑर्डर। तो देखिए वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वो है आपका स्पेसीज। स्पेसीज के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पेसीज है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल दिया गया है कि निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टे होते हैं। बताना है कि क्या कारण है निम्न में से जिसके द्वारा दूध जो है वो खट्टे हो जाते हैं। दूध के खट्टे पड़ने का कारण क्या है, ए प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया, सी वायरस या फिर डी नेमेटोड। बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है वो दूध खट्टे होने का कारण है, ए प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया, सी वायरस या फिर डी नेमेटोड। इसको आप एक और लैंग्वेज में बोल सकते हो कि दूध खट्टा, इसको एक और लैंग्वेज बोल सकते हो कि दही जमने का कारण में भी आप ले सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन का भी एक और तरीके से ले सकते हो कि दही जमने का कारण क्या है या फिर दूध फटने का कारण क्या है। क्योंकि जब दूध खट्टा, एक तो हो गया दूध खट्टे पूछ सकता है, या फिर पूछ देगा कि दही बनने का कारण क्या है, ठीक है, या फिर एक चीज आपसे पूछ सकता है कि दूध फटने का कारण क्या है। तो देखिए इन तीनों क्वेश्चन के रूप में आपका बैक्टीरिया चलेगा, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से दूध खट्टे हो जाते हैं, दूध फट जाते हैं और दही जम जाती है। चलिए क्या ऑप्शन है, तो बैक्टीरिया सही उत्तर है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से दूध खट्टे होते हैं, दूध फटते हैं और दही का निर्माण होता है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल दिया गया कि एड्स का कारण है, एड्स एक रोग है, वो पूछा गया कि एड्स होने का कारण क्या है, ए बैक्टीरिया, बी फफुंदी, सी वायरस या फिर डी अमीबा। तो देखिए एड्स जो रोग है उसके होने का जो कारण है निम्न चारों में से वो है आपका वायरस। वायरस की वजह से एड्स नामक बीमारी होती है, वायरस की वजह से एड्स फैलता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 नंबर सवाल देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर सवाल दिया गया है कि निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं होते। पूछा जा रहा है कि एंजाइम निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है, ए शैवाल में, बी विषाणु में, सी लाइकेन में
या फिर डी जीवाणु में। तो देखिए शैवाल जो है वो एंजाइम जो है वो विषाणु में नहीं पाया जाता है, एंजाइम विषाणु में नहीं पाया जाता है। बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं शैवाल, लाइकेन और जीवाणु, इन तीनों में एंजाइम पाया जाता है, केवल विषाणु में जो है एंजाइम आपका नहीं पाया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल दिया गया कि सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है। पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा बीजांड बीज का अंड किसमें पाया जाता है, बीज का अंडा। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है ए कोकस में, बी नीटम में, सी साइकस में या फिर डी पाइन में। तो देखिए सबसे बड़ा बीज का अंडा जो है बीजांड वो आपका साइकस में पाया जाता है, सबसे बड़ा बीजांड साइकस में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 नंबर सवाल देख लेते हैं। नंबर 34 नंबर सवाल दिया गया कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है, हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी सब्जी जो है वो रूपांतरित तने से निकलती है, ए गाजर, बी शकरकंद, सी नारियल या फिर डी आलू। तो देखिए रूपांतरित तना जो तना से ही रूपांतरण करता जाता है और एक सब्जी का रूप ले लेता है, उसमें सबसे ऊपर आपका आलू आता है। सबसे बड़ा रूपांतरित तना जो है इन सब्जियों में वो है आपका आलू का, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, आलू जो है हमारा सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लेंगे, 35 नंबर सवाल, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा नर्सिंग असिस्टेंट के बायोलॉजी सेक्शन का, इसके बाद 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का करेंगे। तो चलिए 35 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर सवाल दिया गया है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप, पूछा गया है कि जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं तो सामान्यतः उनका रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, बदलता रहता है या फिर डी स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर ए में है कि उनका ब्लड प्रेशर बूढ़े होने के बाद घटता है, बी बढ़ता है, सी बदलता रहता है या फिर डी में स्थिर रहता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का वो आपका हो जाएगा कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्तचाप जो है ब्लड प्रेशर वो घट जाता है, वृद्ध होने पे ब्लड प्रेशर रक्तचाप जो है वो घटता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सवाल दिया गया है कि रेडियम की खोज किसने की। यहाँ से देखिए हमारा 36 नंबर सवाल से केमिस्ट्री सेक्शन रसायन विज्ञान शुरू होता है, क्योंकि आपके 15 सवाल 15 क्वेश्चन जो है वो आपके नर्सिंग असिस्टेंट में केमिस्ट्री से रसायन विज्ञान से आते हैं। तो अभी हम 36 से लेकर 50 तक टोटल 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होंगे, केमिस्ट्री से करेंगे। तो चलिए शुरू कर लिया जाए। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो किया गया कि रेडियम की खोज किसने की, पूछा जा रहा है कि रेडियम की खोज किसने की थी। ऑप्शन दिया गया ए क्यूरी दंपति, बी डेवी, सी रदरफोर्ड या फिर डी थॉम्सन। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका क्यूरी दंपति। क्यूरी दंपति ने जो है रेडियम की खोज की। देखिए क्यूरी दंपति किसी का नाम नहीं है, क्यूरी पति पत्नी, क्यूरी दंपति पति पत्नी थे, तो दंपति यहाँ पे लिखने का मतलब पति पत्नी के लिए किया गया है। यहाँ पे क्यूरी मिस क्यूरी मैडम क्यूरी थे, तो ये क्यूरी पति पत्नी थे जिन्होंने मिलकर रेडियम की खोज की थी, इसीलिए आपको क्यूरी दंपति लिखा हुआ मिलेगा, या फिर कहीं पर हो सकता है कि दोनों का नाम आपको और कर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्यूरी दंपति दिया गया, इसीलिए हमने यहाँ पे क्यूरी दंपति को सिलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल देख लें। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल किया गया है कि चूने के पानी का सूत्र क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि चूने के पानी का सूत्र क्या है। देखिए चूना, एक तो चूना हो जाएगा, एक चूना का पानी हो जाएगा। चूने के पानी यहाँ पे जो आपका दिया गया कि चूने के पानी का सूत्र पूछा गया, इसके जगह पे कभी कभार आपसे हो सकता है बुझा हुआ चूना भी पूछा जाए, ठीक है, कभी कभार आपसे बुझा हुआ चूना का सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, चाहे हमसे चूने के पानी की बात करें या फिर बुझा हुआ चूना की बात करें, दोनों का आंसर सेम होगा। अब देखिए चूना में आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन किए जाएंगे, एक तो पूछा जा सकता है कि चूना का सूत्र क्या होता है, तो चूना जब आपके घर में पचौड़ा होता होगा या फिर जब आपके घर में कोई पेंटिंग कोई प्लास्टर किसी भी चीज़ का काम किया जाता होगा, जब चूना जो बोरी में आती है जब उसे पानी नहीं मिलाया जाता, जब वो केवल पाउडर के फॉर्म में होता है, जब उसमें उसके में पानी नहीं मिलाते, जब वो केवल पत्थर के फॉर्म में होता है, तो उसका जो सूत्र होता है उसको हम लोग चूना बोलते हैं। और चूना का जो सूत्र होता है वो होता है CaO। याद रहे ये सूत्र तभी तक अप्लाई होता है जब तक आपने चूने को पानी में नहीं भिगोया है, जब तक आपने चूने के पाउडर को पानी में नहीं डाला है, तब तक जो है आपका सूत्र CaO ही कैरी करेगा। लेकिन जैसे ही आप चूना के पत्थर को, चूना का जो पाउडर आता है बोरी में, जब आप उसको पानी में मिलाते हो तो उसके बाद वो बदल जाता है, उसको चूना नहीं, उसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है, या फिर उसको चूने का पानी भी बोल सकते हैं। तो उसी में हमारा यहाँ पे दिया गया वही एक आंसर होगा। अब देखिए कभी कभी जो तंबाकू के सेवन के लिए, खैनी के सेवन के लिए जिस चूने का प्रयोग किया जाता है, उसमें तो पहले आपको देखना होगा कि वो किस फॉर्म में है। तो जनरली तो कोई पाउडर का फॉर्म यूज करता नहीं है, सभी पानी उसमें मिलाकर ही यूज करते हैं।
तो आपसे ये भी किया जा सकता है कि तंबाकू के सेवन में किस चूने का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब तंबाकू खैनी का सेवन किया जाता है तो उसमें बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें पानी मिलाकर उसका यूज किया जाता है, और जिस भी चूने में पानी मिला दिया जाए तो वो फिर चूने का पानी बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो इसीलिए खैनी तंबाकू के सेवन में आपका बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है। ऐसे चूना जो है, चूना का सूत्र CaO होता है। केवल चूना का सूत्र पूछा जाए जो पाउडर फॉर्म में, तो उसका सूत्र CaO होगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना या चूने के पानी का सूत्र, या फिर तंबाकू के सेवन में प्रयोग होने वाले चूने का सूत्र, या खैनी खाने में प्रयोग होने वाले चूने का सूत्र क्या होता है, तो वो देखो, वो आपका हो जाता है CaOH2। उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र है CaOH2। हमारा सही आंसर है सी, और सी में क्या दिया गया है? तो सी में दिया गया है आपका CaOH2। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 38-38 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38-38 नंबर सवाल किया गया कि परमाणु विद्युतता होते हैं, पूछा गया कि परमाणु विद्युत में क्या होते हैं, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी द्विधनात्मक, या फिर डी उदासीन। तो देखिए, परमाणु जो है वो विद्युत में आपका उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत में डी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है, उदासीन, परमाणु विद्युत में उदासीन होते हैं। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 39-39 नंबर सवाल देख लेंगे। 39-39 नंबर सवाल दिया गया कि मीथेन अणु है, ए द्विसंयोजक बंध, बी त्रिसंयोजक बंध, सी एकल सहसंयोजक बंधन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि मीथेन अणु इनमें से क्या है, द्विसंयोजक बंधन में बंधे होते हैं, त्रिसंयोजक बंधन में बने होते हैं, या फिर एकल सहसंयोजक बंधन में बंधे होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही उत्तर है कि मीथेन अणु, मीथेन CH4 जो है एकल सहसंयोजक बंधन में बंधा होता है। और मीथेन का सूत्र क्या है? तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। चलिए, हम सभी क्वेश्चन नंबर 40-40 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40-40 नंबर सवाल दिया गया है, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल क्या है? तो अम्ल प्रोटॉन देता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 41-41 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41-41 नंबर सवाल दिया गया है कि गैसों के विसरण का नियम किसने दिया, पूछा जा रहा है कि गैसों का विसरण का नियम किसने दिया था, ए बॉयन, बी चार्ल्स, सी एवोगाड्रो, या फिर डी ग्राहम। तो देखिए, गैसों के विसरण का नियम जिन्होंने दिया था उनका नाम था ग्राहम। ग्राहम बेल ने गैसों के विसरण का नियम दिया था। चलिए, हम सभी क्वेश्चन नंबर 42-42 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42-42 नंबर सवाल दिया गया कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, हमें बताना है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान, पीएच वैल्यू क्या होता है, ए 7, बी 7 से कम, सी 7 से अधिक, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देख लेंगे, 43 नंबर सवाल। 43-43 नंबर सवाल दिया गया है, वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है, बताना है कि जब विद्युत का अपघटन होता है तो अवकरण निम्न में से किस पर होता है, ए कैथोड पर, बी एनोड पर, सी दोनों पर, या फिर डी किसी पर नहीं। तो देखिए, वैद्युत अपघटन में अवकरण जो है वो आपका कैथोड पर होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44-44 नंबर सवाल देख लें। क्वेश्चन नंबर 44-44 नंबर सवाल दिया गया है कि लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, पहले तो ये जान लीजिए कि अयस्क को इंग्लिश में ओर कहा जाता है, ओर बोलते हैं अयस्क को, और लोहा एक तरह का खनिज है। तो बताना है कि लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, बताना है कि लोहा किससे प्राप्त होगा। जैसे आप देखिए, दिया गया है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, बॉक्साइट के खदान से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है। उसी तरीके से बताना है कि लोहा किससे मिलता है, ऑप्शन दिया गया है ए बॉक्साइट, तो ये तो होगा नहीं, ये एल्यूमिनियम का है, बी मैग्नाइट, सी डोलोमाइट, या फिर डी हेमाटाइट। तो देखिए, इसका सही उत्तर है हेमाटाइट। लोहा का प्राप्ति जो है हेमाटाइट नामक अयस्क ओर से होता है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। देखिए, ये मैग्नाइट दिया गया, तो मैग्नाइट नहीं होगा, मैग्नेटाइट होता है। तो हेमाटाइट या फिर मैग्नेटाइट नाम के अयस्क से, हेमाटाइट या फिर मैग्नेटाइट, ये दो अयस्क ऐसे हैं जिनसे कि लोहा की प्राप्ति होती है, लोहा निकलता है। यहाँ पर मैग्नाइट है तो ये नहीं होगा, हेमाटाइट दिया हुआ है, तो डी नंबर ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 45-45 नंबर सवाल देख लेते हैं। 45-45 नंबर सवाल दिया गया है कि निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है, बताना है कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है, ए चांदी, बी सोना, सी सीसा, या फिर डी तांबा। तो देखिए, इसका सही उत्तर है सोना। सोना यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सबसे भारी धातु है। कौन सा हमारा आंसर हो गया? तुम्हारा आंसर है सोना, जिसको इंग्लिश में गोल्ड बोला जाता है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 नंबर सवाल देख लेंगे। 46 नंबर सवाल दिया गया कि फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व है। जब फोटोग्राफी किया जाता है, जब फोटो खींचा जाता है, तो बताना है कि निम्न में से किस यौगिक तत्व का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ए सिल्वर नाइट्रेट, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर डी एसिटिक अम्ल। तो देखिए इसका सही उत्तर है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में जिस यौगिक तत्व का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 नंबर सवाल दिया गया है कि भारी जल एक प्रकार का ऑप्शन है। ए शीतलक है, बी मंदक है, सी अयस्क है या फिर डी ईंधन है। तो देखिए भारी जल जो है वो एक प्रकार का मंदक है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 नंबर सवाल कर लेते हैं। 48 नंबर सवाल दिया गया है कि सामान्य किस्म का कोयला है। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है वो एक सामान्य किस्म का कोयला है। ए एंथ्रासाइट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस या फिर डी पीट। तो देखिए यहाँ पर जो सामान्य किस्म का कोयला है उसका नाम है बिटुमिनस। बिटुमिनस एक सामान्य किस्म का कोयला है और बिटुमिनस को ऐसे भूरा कोयला भी बोला जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर सवाल दिया गया है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। ऑप्शन है ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन या फिर डी रेडॉन। देखिए हमें यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन, निम्न में से ये जो चार यहाँ पे नोबल गैस दिए गए हैं, हमें इन चारों नोबल गैस में से बताना है कि कौन सा ऐसा नोबल गैस है जो कि वायु में उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए वायु में जो नोबल गैस नहीं उपस्थित होता है उसका नाम है रेडॉन। वायु में जो नोबल गैस नहीं उपस्थित है उसका नाम है क्या, तो उसका नाम है रेडॉन। चलिए हम चले क्वेश्चन नंबर 50 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 50 नंबर सवाल दिया गया है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के कारण होता है। हमसे पूछा जा रहा है कि शराब किस क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ए किण्वन, बी उत्प्रेरण, सी संयोजन या फिर डी विस्थापन। तो देखिए शराब का जो निर्माण होता है वो आपका किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है। शराब का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो शराब का निर्माण किया जाता है किण्वन विधि के द्वारा। किण्वन क्रिया के फलस्वरूप शराब का निर्माण होता है। तो हमारा देखिए यहाँ पे पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 टोटल 50 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस कर लिए। अभी के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे नर्सिंग असिस्टेंट, इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2016 के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक आप 2017, 2018 और 2019 के क्लासेस को अटेंड करें और उनके रिविजन्स करते रहें। फिर आपसे मिलेंगे हम सब इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2016 के क्वेश्चन पेपर को लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।